Assalamu alaikum my dear students, my name is Saqib and I welcome you to this batch that is UKA 1.0. So pichle session mein humne padha tha how to find the square roots. Do cheeze humne dekhi thi, repeated subtraction method and we have also learned about prime factorization method. Ye sare questions jo main kara raha hu aapki book mein, agar aap apni book khologe to sare questions aapko milenge. Main koshish kar raha hu jo bhi aapka aapko lag raha hai ki thoda different level ka question hai sab kara hu aur aap क्या करोगे इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस क्या करोगे और जो कुछ और क्वेश्चंस है सेम तरीके के क्वेश्चन है मेथड सेम है बस यू हैव टू डू देम सो दैट यू कैन सिक्योर गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स. सो प्रैक्टिस मोर, जब आप प्रैक्टिस मोर करोगे तभी आपका मैथ जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा. इफ़ यू प्रैक्टिस लेस योर मैथ विल नेवर गेट गुड एनफ. ओके, सो यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चन सो दैट योर मैथ विल बी स्ट्रांग. नाउ कैसे निकालेंगे बाई रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से, वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100. सो लेट्स स्टार्ट. सो मेरे पास क्या है यहाँ पर 100 है. सो लेट्स स्टार्ट विद 100 माइनस 1 दैट इज 99, पहला ऑड नंबर. फिर उसके बाद दूसरा ऑड नंबर हमारे पास कौन है 3, 99 माइनस 3 दैट इज 96. इसके बाद 96 माइनस 5 दैट इज 91, 91 माइनस 7 सो दैट विल बी इक्वल टू 84, 84 माइनस 9 सो दैट विल बी योर इक्वल टू 9. सो दिस इज योर 49, 10, 11, 12, 13, 14 सो दिस विल बी योर 5 एंड इसने इसको एक कैरी दिया दैट विल बी योर 75. नाउ वी हैव हियर 75 माइनस 11 सो दैट विल बी योर इक्वल टू 5 माइनस 1 4 सो दैट विल बी योर इक्वल टू 7 माइनस 1 6 सो दिस विल बी योर 64, 64 माइनस 13 4 माइनस 3 इज 1, 6 माइनस 1 इज 5, 51 माइनस 15. देखो अब 1 तो 5 से छोटा है तो इसको एक कैरी देगा, 11 माइनस 5 इज 6 तो यहां पर इसने इसको एक कैरी दिया 4 बच गया, 4 माइनस 1 इज 3. नाउ वी हैव हियर 36 माइनस 17 सो सी दिस विल बिकम 16, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 सो दिस विल बी योर, सो दिस विल बी योर 9 and this will be your 2 minus 1 is 1 so yahan par kya jayega 19 minus 19 that is your equal to 0. so kitne steps lage hame is 100 ko 0 banane mein, let's see it here. so this is your 1, this is your 2, this is your 3 third step, this is your 4th step, this is your 5th step, this is your 6th step, ye aapka 7th step hai 6 7, this will be your 8th, this will be your 9th and this will be your 10th. so 10 steps ke baad aapka jo 100 jo aap dekh rahe ho uska aapka 0 aa raha hai when you are subtracting consecutive odd numbers. so iska matlab aap likhoge square root of 100 kya hota hai, that is your equal to 10 because hame 10 steps lage isko 0 banane mein. so square root of 100 is 10. Now let's move to our next question. इस question का दूसरा part that is 169. Let's take that 169. So पहले क्या मैं लिखूंगा 169. Yes, बताओ मेरे साथ बच्चों 169 minus 1 is 168. 168 minus 3 165. 165 minus 5 that is 160 minus 7 that is your equal to 153 minus 9. अब बताओ क्या जाएगा, देखो 3 तो 9 से छोटा है, अब ये इसको एक कैरी देगा तो ये क्या बन जाएगा 13. सो 13 माइनस 9 इज 9, 10, 11, 12, 13 दैट इज योर 4. अब इसने क्या किया, इसने इसको एक कैरी दे दिया सो दिस विल बी योर 4 ऑल्सो सो यहां पर 1 बचेगा. नाउ 144 माइनस 11 सो 4 माइनस 1 इज 3, 4 माइनस 1 इज 3 सो दिस बी योर 133. नाउ 133 माइनस 13, 11 के बाद 13 आता है ना, 1 3 5 7 9 11 13 सो दैट विल बी योर 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 1 2 सो दिस विल बी योर 0.
3 minus 1, 2. So this will be your 120. 120 minus 15, directly 105. 105 minus 17. अब देखिए यहाँ पर 5 7 से छोटा है, अब इससे कैरी लेगा 15 माइनस 7 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, सो दैट विल बी योर 8. नाउ यहां पर क्या रह गया, एक कैरी दिया तो 9, 9 माइनस 1 इज योर इक्वल टू 8. ओके नाउ लेट्स मूव ओवर नेक्स्ट पार्ट. सो दैट इज 88 माइनस 19. अगेन ये इसको एक कैरी देगा, 18 माइनस 9 इज योर इक्वल टू 9, 7 माइनस 1 इज योर इक्वल टू 6. नाउ दिस बी योर 69 माइनस 21. सो 9 माइनस 1 इज 8, 6 माइनस 2 इज योर 4. नाउ दिस बी योर 48 माइनस 23, किसके बराबर आ जाएगा, 25 के. नाउ वी हैव 25 माइनस 25, दैट्स योर इक्वल टू 0. अब कितने स्टेप्स हमें लगे, जरा गिनते, एक, this is second, this is third, this is your fourth step, this is your fifth step, this is your sixth step, this is the seventh one, this is your eighth one, this is your ninth one, eighth ninth, this is your tenth. So we have 11, we have 12 and we have 13. So हमें यहाँ पर कितने steps लगे इसको zero बनाने में, अगर आप देख पा रहे हो, so 13 steps. So I will say here, square root of 169 is equal to 13. क्या है square root of 169? So we have square root of 169 as 13. Similar है, simple है. Now let's move to our next part. Now, इसके बाद हमें क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 6, 9, 15. देखिए कैसे निकालेंगे. पहले मैं क्या करूंगा, 6, 9 और 15 का एलसीएम निकालूंगा. क्या करूंगा यहां पर, सब बच्चे बताओ मेरे साथ, 6, 9, 15 का एलसीएम निकालूंगा, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 6, 9 एंड 15. तो इसलिए मैंने एलसीएम निकाला 6, 9 और 15. चलिए 3 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 3 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो 6 का भी फैक्टर है, 9 का भी फैक्टर है, 15 का भी फैक्टर है. 3 टू जार 6, 3 थ्री जार 9, 3 फाइव जार 15. ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगेन मैं 3 से कर सकता हूँ, 3 ये हो गया, 3 वन जार 3, 3 फाइव जार 15. अब देखो यहाँ पर 2 और 5 बच रहा है ना, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 वन जार 2, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 5. तो यहाँ पर अगेन 5 वन जार 5, 5 वन जार 5, 5 वन जार 5. तो एलसीएम क्या आ गया यहां पर, एलसीएम जो आ गया मेरा, एलसीएम ऑफ 6, 9, 15 क्या रहा, एलसीएम 6, 9 और 15 का, दैट इज 3 × 3 × 2 × 5. अब देखो 3 × 3 = 9, 9 × 45 = 45, 45 × 2 = 90. क्या ये है स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 6, 9 एंड 15? तो हमें क्या देखना है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 6, 9 एंड 15. सो मैंने तो यहां पर 90 लिखा. अब देखिए यहां पर अब क्या आप आगे करोगे, नाउ सी हियर. सो हम क्या करेंगे यहां पर, 90 का हम क्या निकालेंगे, 90 क्या हम निकालेंगे, अगेन वी विल फाइंड आउट इट इज प्राइम फैक्टर्स. व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 90 हियर. सो दिस विल बी योर इक्वल टू 2 4 = 8, 2 5 = 10. नाउ इसके बाद क्या लिखोगे आप यहाँ पर, सो दिस बी योर 5 4 9, सो दिस बी 3 1 = 3, 3 5 = 15. इसके बाद आप क्या लिखोगे, 3 5 = 15 एंड दिस बी योर इक्वल टू 5 1 = 5. अब देखो 90 के हमारे पास प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए, 90 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए यहाँ पर, सो वी हैव द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 90 आर हियर 2 × यहाँ पर होगा आपका फाइंड स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर. ओके यहाँ पर आप लिखने लगा फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, ये होगा यहाँ पर फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर,
फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाई 6, 9 एंड 15, क्योंकि फिर यहाँ पर क्या आप बताते हैं सर 90 भी तो है, क्योंकि 6 वन जार 6, सो 6 वन जार 6, सो 6 फाइव जार 30, सो यू विल बी राइट 6 फाइव जार 30, 0 एंड 3 कैरी, सो दैट विल बी ऑल्सो 90, 90 डिवाइड बाई 9, सो विल ऑल्सो गेट हियर, सो 15 से भी 90 होगा, लेकिन हमें क्या चाहिए फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, ये चीज यहाँ पर भूल गई थी, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाई 6, 9 एंड 15, सो वट विल राइट हियर, अब इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, याद रखना यहां पर स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है। अब देखो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, अब देखो 90 में क्या हो रहा है, ये 3 और 3 तो क्या, 3 और 3 जो है हमारे पास, इसका क्या हो रहा है, इसका पियर्स तो बन रहे, लेकिन आप अगर देख पा रहे हो यहां पर, आप अगर देख पा रहे हो इस 2 और 5 का पियर नहीं बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, मुझे दिखाना है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 6, 9 एंड 15, मैंने देखा यहां पर 90 आया मुझे, लेकिन ये स्क्वायर नंबर नहीं है, अब स्क्वायर इसके मैंने प्राइम फैक्टर्स निकाले, वाय 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, अब इस 3 और इस 3 ने तो पेयर बनाया, लेकिन 2 को पेयर बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, यहां पर एक 2 है तो एक 2 और चाहिए, यहां पर एक ही 5 है तो एक 5 और चाहिए, नाउ व्हाट इज 2 इंटू 5, 10, तो इस 10 को मैं क्या करूंगा, इस 10 को मैं इस 90 से मल्टीप्लाई करूंगा, 90 इंटू 10 इज 900, मैंने क्या देखा यहां पर 3 पियर बना रहा था, 2 पियर नहीं बना रहा था, 2 के पास एक ही 2 है तो एक 2 ओ लिखेंगे, ठीक है, 5 के पास एक ही 5 है तो एक 5 ओ लिखेंगे, सो क्या बन गया ये 2 इंटू 5 10, फिर इस 90 को 10 से मल्टीप्लाई करो, दैट इज 900, अगर मैं अब 900 के प्राइम फैक्टर्स लिखूंगा ना, वो आएंगे ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, वही तो हमने यहां पर किया, हमने क्या किया, एक 2 एक 5 को मल्टीप्लाई किया, वो हमारे पास क्या आता 900, सो 900 हमारे पास एज अ स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है विच इज डिविजिबल बाय 6 9 एंड 15। नाउ देखिए यहां पर हमें क्या निकालना है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ, क्या लिखोगे, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 9604 5929 7744 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सो हमारे पास क्या है यहां पर 9604, चलिए स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जिससे 9604 डिवाइड हो जाएगा या फ्रैक्टर है इसका, सो दैट इज 2 4 8, एक कैरी आ गया, 2 8 16, 2 0 0, 2 2 4, अब देखिए यहां पर 2 2 4, 2 4 8, 2 0 0, 2 1 2, अब किससे हो जाएगा, देखो 3 से क्या होता है, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 इज 7, सो 7 आ रहा है तो सम ऑफ डिजिट इज नॉट डिविजिबल बाय 3, जरा आप 7 से देखते हैं, 7 3 इज 21, ठीक है, अगर यहां पर क्या आ गया 3 कैरी, सो 7 4 इज 28, अगेन 7 3 इज 21, नाउ अगेन वी हैव 3 4 3, और करते हैं 7, वी हैव हियर 7 4 इज 28, तो क्या आ गया 6 कैरी, 7 9 इज 63, एंड दिस विल बी योर 7 7 49, अब देखो यहां पर, तो मैंने क्या लिखा 9604 के 9604 के प्राइम फैक्टर्स क्या है यहां पर, दैट इज 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, अब देखो जब भी मुझे स्क्वायर रूट निकालना होता है मैं क्या चेक करता हूँ, मैं देखता हूँ क्या इसके प्राइम फैक्टर जो है क्या ये पेयर्स में आ रहे हैं, अब देखो 2 इंटू 2 ये एक पेयर में आ गया, सो आई विल राइट ओनली 1 2, 7 इंटू 7 इसका पेयर बन रहा है तो आई विल राइट ओनली 1 7, यहाँ पर भी 7 इंटू 7 पेयर बन रहा है तो आई विल राइट ओनली 1 7, नाउ व्हाट इज 2 7 14, 14 इंटू 7 जरा करो बच्चों, 7 4 28, 8 2 कैरी, 7 1 7 8 9, सो दिस विल बी योर 98, अब अगर आप यूनिट से भी कर चेक करोगे, मैंने क्या बताया था, अगर हमारे पास कोई नंबर होता है उसका स्क्वायर निकालते हैं, क्या निकालते हैं स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पर 98 का स्क्वायर निकालूंगा इसके यूनिट पर क्या होगा, मैंने बताया था इफ ए नंबर एंड्स विद 8 एंड वी फाइंड आउट इट स्क्वायर इट विल बी हैविंग 4 एट द यूनिट डिजिट, ठीक है ना, तो यहाँ पर तो 4 यूनिट डिजिट पर आ गया ना, सो दैट मीन्स ये हमने वेरीफाई किया स्क्वायर रूट ऑफ 9604 जो होगा वो 98 होगा। Now, इसके बाद हमारे पास है दूसरा पॉइंट क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ 5929, चलिए देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है किसका 5929, लेट्स सी दिस अगेन, 5929 ही था, यस 5929, नाउ व्हाट वी हैव हियर, स्टार्ट किससे करेंगे हम, सो लेट्स अगेन
अगर हम देखेंगे 9 प्लस 9 इज 18, 18 प्लस 2 इज 20, 20 प्लस 5 इज 25, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3. सर यहां पर हम 7 से करेंगे, 7 8 आर 56, ठीक है. अगर ये 56 आ गया तो 3 इसको कैरी, 7 4 आर 28, 28 आ गया तो यहां पर क्या बचा, 4 इसको कैरी, 7 7 आर 49. अगेन आप देखिए 7 1 आर 7 हो रहा है, 7 2 आर 14, 7 1 आर 7. इसके बाद देखिए आपको पता है 11 के टेबल में आता है 11 1 आर 11, 11 1 आर 11. So this will be your again 11 ones are 11. अब यहां पर मैं अगर देखूं 5 9 2 9, तो इसमें आप देखोगे क्या आ रहा है, 7 into 7 into 11 into 11. अब देखो यहां पर लेट सर्कल दिस आउट, सो 7 into 7 पेयर में, 11 into 11 पेयर में, सो स्क्वायर रूट ऑफ 5 9 2 9 किसके बराबर होगा, 7 into 11 दैट इज 77, ठीक है. नाउ इसके बाद है हमारे पास 7 7 4 4. नाउ व्हाट वी हैव हियर, 7 7 4 4. नाउ लेट सी दिस, सेवन सेवन फोर फोर, इसके हमें निकालने स्क्वायर रूट. अगेन ये थर्ड पार्ट है, ये आपका सेकंड पार्ट था, ठीक है. नाउ कैसे निकालोगे, अगेन प्राइम फैक्टर्स निकालोगे, 2 से करोगे, 2 3 आर 6, 1 कैरी, 2 8 आर 16, 1 कैरी, 2 7 आर 14, 2 2 आर 4, ठीक है. यहां पर नाउ अगेन 2 1 आर 2, ठीक है. अब यहां पर एक कैरी आ गया, 2 9 आर 18, 2 3 आर 6, 2 6 आर 12. अभी 2 से ही हो रहा है, 2 9 आर 18, अब एक कैरी आ गया, 2 6 आर 12, एक कैरी, 2 8 आर 16. इसके बाद देखिए 2 4 आर 8, एक कैरी, 2 8 आर 16, 2 4 आर 8. अगेन 2 से 2 2 आर 4, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4. अब देखो यहां पर अगेन 2 से 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2. अब क्या है यहां पर, 1 2 1. अब 1 2 1 को थोड़ा साइड में लिखोगे, 1 2 1, क्योंकि यहां पर नीचे में जगह नहीं. सो लेट्स सी इट हियर. सो यहां पर देखो अब क्या जाएगा, 11 वन जार 11, 11 वन जार 11, 11 वन जार 11, ठीक है. ये इसी का कंटिन्यूएशन है. अब देखो 7 7 4 4 के मेरे पास क्या आ गए, प्राइम फैक्टर्स आ गए. जरा लिखते हैं क्या है यहां पर, 2 इंटू 2 एक पेयर, इसके बाद अगेन 2 इंटू 2 दूसरा पेयर, इसके बाद अगेन, सो वी हैव हियर 1 2 3 4 5 6, सो दिस विल बी योर अगेन 2 into 2, सो दिस विल बी योर 2 into 2, दैट विल बी योर 2 into 2. यहां पर लिखेंगे हम, यहां पर मैं थोड़ा रब कर रहा हूं, सो नीचे लिखूंगा मैं यहां पर 2 into 2 2 into 2, ये थर्ड पेयर, इंटू क्या बच गया, 11 into 11. अब मैंने क्या कहा आपको, इसका स्क्वायर रूट जरा दिखाइए, स्क्वायर रूट ऑफ 7 7 4 4. अब देखो 2 का एक पेयर बन रहा है तो एक ही 2, दूसरा पेयर बन रहा है तो एक ही 2, थर्ड पेयर बन रहा है तो एक ही 2, एंड दिस इज योर 11, एक ही 2 लिखेंगे यहां पर, ओके. नाउ व्हाट वी हैव, 2 2 4 2 8, 11 into 8 is 88. सो व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 7 7 4 4, दैट इज योर 88. ओके, सो हमने देखा यहां पर, पहले हमने रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड देखा, इसके बाद हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बेस पर 3 क्वेश्चन किए. पहले का आंसर आपको क्या आया, फर्स्ट वाज योर 98, स्क्वायर रूट ऑफ 9604 इज 98. दूसरे का क्या लिखा आपने, स्क्वायर रूट ऑफ 5929 इज 77, स्क्वायर रूट ऑफ 774 इज 88. अब जब बढ़ते आगे, नाउ फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 252 शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर. देखिए कैसे करेंगे, अगेन हम इसके क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 252 के. क्या आएगा, 2 1s are 2, ठीक है, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 6s are 12, 2 3s are 6, इसके बाद 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 7s are 21, 7 1s are 7. अब जरा देखिए 252 के में यहां पर प्राइम फैक्टर्स लिखूंगा, सो व्हाट इज दैट, दैट इज 2 into 2,
इसके बाद इंटू थ्री इंटू थ्री, देन वी हैव इंटू सेवन. मैंने क्या बताया, कोई भी जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसके प्राइम फैक्टर जो है वो ग्रुप ऑफ टू में आते हैं, पेयर्स में आते हैं. इसको देखो पेयर में आ रहा है, इसको देखो पेयर में आ रहा है, लेकिन ये सेवन अकेला है. यस सर, अकेला है. तो इसका मतलब स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 252 शुड बी मल्टीप्लाइड. स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 252 शुड बी मल्टीप्लाइड. Smallest number by which 252 should be multiplied to get a perfect square is, क्या होगा यहां पर? सो आप लिखोगे यहां पर, सो दैट विल बी योर इक्वल टू 252 इंटू सेवन. सो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? सेवन. सो यहां पर क्या लिखोगे? 252 इंटू सेवन. आप देखो सेवन टू आर 14, फोर और वन कैरी, सेवन फाइव आर 35, एक हो गया सिक्स, 36, 6, 3, सेवन टू आर 14, 14 प्लस 3 इज योर इक्वल टू 17, दैट विल बी योर 1764. वो किसका आएगा? आप देखो यहाँ पर 2, 3 6, 6, 7 42, सो दैट विल बी द, अगर हम 1764 का स्क्वायर रूट निकालेंगे दैट विल बी योर इक्वल टू 42. सो आज हमने क्या क्या करा? वी हैव लर्न अबाउट रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड. इसके बाद हमने प्राइम फैक्टराइजेशन पर क्वेश्चंस करे. देन वी डिड वन क्वेश्चन ऑन द बेस ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसमें हमें देखना था स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 252 शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर. सो नेक्स्ट सेशन में हम और क्वेश्चंस करेंगे, मोर क्वेश्चंस ऑन द डिवीजन बेसिस. सो इसके बाद हम लॉन्ग डिवीजन मेथड भी देखेंगे. सो टिल देन इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, और जो हम पर भी आपको डाउट लग रहा है सो प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. सो टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज एवरीवन.